सुपौल जिले में अवैध बालू खनन को रोकने गई खनन टीम पर अवैध खनन में शामिल लोगों ने जमकर हमला कर दिया, जिसमें खनन इंस्पेक्टर सहित 4 जवान को चोटें आई है, जबकि पुलिस पर हमला कर रहे ग्रामीणों में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिनका इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है। घटना सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के टोल टैक्स के पास लक्ष्मीनिया में घटी है। खनन इंस्पेक्टर इकबाल हुसैन के अनुसार अवैध खनन को लेकर सीएम के जनता दरबार में आवेदन पड़ा था, जिसके बाद वे जांच करने गए तो वहां अवैध खनन का बालू और ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई करने लगे। इतने में वहां मौजूद लोगों ने लाठी डंडे और ईंट से खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवानों को भी चोट लगी है। वहीं खनन इंस्पेक्टर के सिर में चोट आई है। इसके अलावा इस घटना के दौरान दूसरे पक्ष की एक महिला भी घायल हुई। यादव और जो ज्योति प्रकाश है, उन्होंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में आवेदन दिया था त्रिवेणीगंज में 20 से 25 ट्रैक्टर हमेशा लगे रहते हैं अवैध खनन धार में। उसी के आलोक में आज कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई में देखा गया कि लक्ष्मणिया के निकट 10-12 ट्रैक्टर लक्ष्मणिया पुल के निकट से देखा गया कि 12 ट्रैक्टर नदी से खनन करते हुए चले आ रहे हैं। उनका पीछा किया गया था। पीछा करने के क्रम में वो सभी ट्रैक्टर कोई अमित कुमार नामक व्यक्ति है, उसके जो है डिपो और जो है घर के आसपास में ट्रैक्टर से बालू गिरा करके और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। हम लोग को देखते हैं, हम लोग पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन ट्रैक्टरों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। तो बहुत सारे ग्राम लोगों को मारा गया। कहाँ पर मारा गया? गाँव जानते हैं, मगर टोल टैक्स से आगे है लक्ष्मीनिया गाँव है, वहीं पे हम लोग को हमला किया गया। कौन मारा है आप लोगों को? वहीं पे घर इसका ट्रक ट्रैक्टर सब था वही सर। कौन चीज का ट्रैक्टर? वो खनन करके ले जा रहा था बालू। तो आप लोग किसके साथ जा रहे थे? पुलिस आवे के हटिया।